और यहाँ ये एक मसला भी समाध फरमा लें, अलहम्द के बाद अमूमी तौर पर हमारे नमाजी हजरात भी कुल हो अल्लाह पढ़ते हैं, और बसा औकात ये भी जहन में मसला उलझन पैदा करता रहता है कि हर रकात में कुल हो अल्लाह पढ़ते रहें तो नमाज हो जाएगी। जी हाँ, हो जाएगी। हर रकात में अलहम्दों के बाद आप अगर कुल शरीफ पढ़ लें तो बिल्कुल आपकी नमाज हो जाएगी। अगर और सूरतें आती हैं तो बिल्कुल आप बेशक सूरह यासीन पढ़ें, सूरह रहमान पढ़ें, जितनी आती हैं ज़्यादा पढ़ें। और नमाज में कुरान पढ़ने का कायदा ये है, फ़करऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, फरमाया जितना तुम आसानी से पढ़ सको ना उतना पढ़ा करो। तो इसका एक मतलब ये भी बयान किया गया है कि आसानी का मतलब ये है कि जितनी देर आप पढ़ें आपको लुत्फ आना चाहिए, और अगर आप पढ़ें आप पर सुस्ती गालिब आ जाए या आपका मज़ा ही ना रहे लेकिन आप कहें कि मैं सूरत पूरी करनी है, फिर सूरत ना पूरी कर फिर नमाज पूरी कर, ठीक है। तो इसलिए कुरानी मजीद जहाँ से भी आपको आता हो ज़रूर पढ़ा करें, लेकिन अगर हर रकात में बंदा हाफिज़े कुरान हो इसके बावजूद हर रकात में वो कुल हो अल्लाह पढ़े तो उसकी नमाज हो जाएगी। समझ आ रही है इस बात की? बल्कि इस पर मैं आपको एक हदीस सुना देता हूं। अच्छा, ये हदीस जो सुना रहा हूं ये बुखारी शरीफ में मौजूद है, और रिवायत किसने किया है? आपकी और मेरी माँ हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका ने बयान फरमाया है। वो फरमाती हैं कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने एक लश्कर भेजा, उसका जिसको सिपा सलार बनाया ना वो कुरान तो जानता था लेकिन जब भी लोगों को नमाज पढ़ाता तो वो कुल हो अल्लाह ज़रूर पढ़ता था, जब भी पढ़ाता और पढ़ता भी हर रकात में था। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जब वापस से शरीफ लाए तो आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको आपने सिपा सलार बनाया बाकी सारे मामला ठीक थे लेकिन हर रकात में कुल हो अल्लाह पढ़ता था। तो फरमाया कि ठीक है, आपके सामने बुला के हम पूछ लेते हैं। जब उसे तलब फरमाया कि तू हर रकात के अंदर कुल हो अल्लाह पढ़ता है, जी हाँ। फरमाया क्यों? फरमाया इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र है, अल्लाह की खास सिफात का जिक्र है, इसलिए ये मुझे सूरत बड़ी पसंद है। फरमाया अगर तुझे इससे मोहब्बत है और पसंद है तो फिर अल्लाह को तुझसे मोहब्बत है और तू अल्लाह को बड़ा पसंद है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो ये कुल शरीफ इसकी बड़ी बरकत और बड़े फजाइल हैं। बल्कि इससे भी थोड़ा सा आगे चलें, ये रिवायत जो सुना रहा हूं ये भी बुखारी शरीफ में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के करीब एक बस्ती थी, वहां पर एक इमाम साहब बना के भेजे कि आप वहां नमाज पढ़ाएं। वो जब नमाज पढ़ते हैं तो अक्सर अलहम्दों के बाद कुल हो अल्लाह शरीफ पढ़ते हैं। लोगों को फिर तशवीश हुई, वो आगे सीधा हुजूर की खिदमत में, या रसूल हमारा इमाम तो अक्सर कुल शरीफ पढ़ता है। तो फरमाया उसे हम बुला लेते हैं। उसे बुलाया, तलब फरमाया, तवज्जो है अभी सब हज़रात की? जब तलब फरमाया तो कहा कि ये तेरे साहिब जो तेरे पीछे खड़े होते हैं नमाज पढ़ते हैं, ये कहते हैं कि तू हर रकात के अंदर कुल शरीफ पढ़ता है। कहा जी हाँ या रसूल्ला, मैं पढ़ता हूँ। तो फरमाया बता क्यों पढ़ता है? ये नहीं फरमाया कि तेरी नमाज ही नहीं होती, क्या केड़ी गल होई, होर कुरान कोई नहीं, ना ना ना, फरमाया क्यों पढ़ता है? उसने कहा या रसूल्ला, सूरत से मुझे बड़ी मोहब्बत है। फरमाया अगर तुझे इससे मोहब्बत है तो फिर मेरी जुबान से ये भी सुनो, तू भी पक्का जन्नती है। नबी पाक ने उसे जन्नती होने की बशारत अता फरमाई।